मुफ्ती को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ हैं और यहाँ पर उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कश्मीर ग्राउंड पर आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती को डीकेजी के जंगलात में जो है वो डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त महबूबा मुफ्ती को रोकने की कोशिश कर रही है कि वो महबूबा मुफ्ती जमीन पर गिर चुकी है। सबसे बड़ा अपडेट। थोड़ी साइड दीजिए। क्या कहेंगे आपको, यहाँ जंगल में रोक दिया गया है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी खतरा है और यहाँ पर इस तरीके से जंगलात में आपको रोका गया, फैमिली से दूर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? डरते हैं आर्मी वालों को, वो मार के चले जाते हैं, फिर आर्मी वाले आते हैं और लोकल्स को नहते लोगों को मार के चले जाते हैं। रविंदर रैना बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर आ सकती है, मगर हमें कहते हैं यहाँ खतरा है, तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा खतरा तो यही लोग हैं हमारे लिए। ये तो चाहते ही नहीं कि हम उन फैमिलीज के पास जाएं, उनके जख्मों पे मरहम रख सके, ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के साथ, गांधी के हिंदुस्तान के साथ इतनी वो कोई रेफ्यूजी बन के नहीं आए थे। मैडम आपको पहले ही रोक दिया गया, कितने किलोमीटर आप पैदल भी चले हैं जंगलों में? जमीन समंदर जंगल लेके हिंदुस्तान के साथ कितने किलोमीटर आप पैदल चले? मैडम हमारी जमीनों से खदेड़ा जाता है, अभी तक 7.5 किलोमीटर हम चले, अब कोई 4-5 किलोमीटर है तो अब रोक रहे हैं। मैं तो यही बैठूंगी रात भर। मोदी जब जब डरता है, अगर बाकी लीडर्स को जाने दिया हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हम कोई खुदा ना खासा वहाँ हंगामा करने तो नहीं जा रहे हैं। हम तो वहाँ जो लोग जिनके लोग मारे गए और इतनी बेदर्दी से मारे गए हैं, टुकड़े किए गए उन लोगों की, तो उनकी गवाही किन से मिलना चाहते हैं? तो ये कौन सा बड़ा गुनाह है? ये तो कहते हैं सब जम्मू कश्मीर में ठीक है, चंगा है, यहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं रात पालकी में बैठ के, वो पालकी में बैठ के वहाँ क्या करने गए थे? मुझे तो पहले भी नहीं जाने दिया, उसको सबको जाने देते, मुझे क्यों नहीं जाने देते? करते हैं, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की है, उनको धमकाया है कि अगर तुम लोग वापस नहीं चली गई, जब वो ये कर रही थी बेचारी, भीख मांग रही थी हमारे लोगों को, छोड़ दो, कहा तुमको भी नंगा करेंगे और तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारे मर्दों का। क्या लगता है सिक्योरिटी है? हमारे लोग वहाँ से अभी होके आए हैं, अभी आपने देखा गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। सुबह बोला, रात को बोला ठीक है, सुबह बोला ठीक है, आधे घंटे पहले जब मैं पहुंचने वाली थी तब बोला आप नहीं जा सकते हो। क्या रविंदर रैना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन पे बंदिश नहीं, आप पे बंदिश क्यों? सब आपको सोचना है, तो आपको सोचना चाहिए क्यों बंदिश लग रही है। तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? तो आपको लगता है कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर पहुंच चुकी है, आपको डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है? बैठूंगी। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ।